अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैट्रिक और इंटर के तुलबा के लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताऊंगा मैट्रिक और इंटर की दोस्तों जो डेट शीट है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और ये दोस्तों लेटेस्ट डेट शीट जो है वो जारी हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज की वीडियो में आपको ऑफिशियल डेट शीट भी दिखाऊंगा, इस 9th 10th की, 11th 12th की। तो दोस्तों, आपने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना गूगल ओपन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपने आना फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह की पूरी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ में लिखा गया डेट शीट फॉर SSC पार्ट टू, यानी कि SSC का मतलब होता है दोस्तों मैट्रिक एग्जाम पार्ट टू, मतलब कि 10वीं क्लास के। इसके बाद आ जाता है डेट शीट फॉर HSSC पार्ट टू एनुअल एग्जामिनेशन 2021। इसका मतलब है कि 12वीं क्लास के जो तुलबा है उनकी दोस्तों जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक की जो डेट शीट है वो दिखाता चलूँ। तो ये दोस्तों फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कैंडिडेट एजुकेशन की मैट्रिक की डेट शीट है, जो कि 27 मई 2021 को दोस्तों पब्लिश हुई है, यानी कि कल के दिन इवनिंग सेशन की ये डेट शीट है, जो कि 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 5 बजे तक होगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। 23/6/2021 को पहला पेपर होगा दोस्तों फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन और डेस मेकिंग का। इसके बाद सेकेंड पेपर होगा 24/6/2021 को इस्लामिक हिस्ट्री, जियोग्राफी, कमर्शियल जियोग्राफी और कंप्यूटर हार्डवेयर का। 25/6/2021 जुमे वाले दिन पेपर होगा केमिस्ट्री जनरल साइंस का, ठीक है। इसके बाद हफ्ते को आएगा सैटरडे, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा। 27 को इतवार के दिन क्लोज डे है, छुट्टी होगी। इसके बाद 28/6/2021 मंडे के दिन होगा आपका बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, वेल्डिंग, कंप्यूटर साइंस और ये दोस्तों इसमें सब्जेक्ट्स हैं। 29 को दोस्तों छुट्टी होगी। इसके बाद 30/6/2021 बुध के दिन इसमें होगा मैथ, जनरल मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स पार्ट टू। इसके बाद दोस्तों 1/7/2021 को छुट्टी होगी, 2 को भी छुट्टी होगी, फिर 3/7/2021 को आपका इंग्लिश कंपलसरी का दोस्तों पेपर होगा। इसके बाद फिर आगे 2 छुट्टियां और फिर 6/7/2021 को आपका उर्दू जियोग्राफी का पेपर होगा। 7/7/2021 में इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर होगा दोस्तों। इसके बाद 8/8 को होगा पेपर होगा इस्लामियात का, इखलाकियात का। इसके बाद दोस्तों आगे छुट्टी होगी, फिर आपका जो पेपर होगा 10/7/2021 हफ्ते वाले दिन होगा पाकिस्तान स्टडी का। इसके बाद फिर आगे 2 छुट्टियां और 13/7/2021 को आपका पेपर होगा आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, अरेबिक, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का। इसके बाद 14/3 को आपका पेपर होगा एजुकेशन का, और 15/15 को आपका होगा पेपर एसेंशियल होम इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल राइटिंग, एलिमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रिकल राइटिंग का। इसके बाद जुमे के दिन आपका लास्ट जो पेपर होगा वो स्विक्स का पेपर होगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मैट्रिक की डेट शीट फेडरल बोर्ड की। अब बात करते हैं HSE इनके 12वीं क्लास की जो डेट शीट है, इसमें दोस्तों 24/6/2021 से आपका पेपर स्टार्ट होगा। पहला पेपर आपका साइकोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद बिजनेस साइंस है, अप्लाइड साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसमें से जो भी आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो इसमें पहला पेपर होगा 24 को। इसके बाद 25 को छुट्टी होगी, 26 को होगा मैथमेटिक्स, 27/28 की छुट्टी है, 29/30 को होगा एजुकेशन, केमिस्ट्री और एजुकेशन। इसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को छुट्टी होगी, फिर 2/7/2021 को आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा। फिर आपको आगे 2 छुट्टियां हैं, 5/7/2021 को होगा फाइन आर्ट्स का, 6/6 को छुट्टी होगी, फिर 7/7 को होगा फिलोसफी और कंप्यूटर साइंस का, 8/8 की छुट्टी है, 9/9 को होगा आपका उर्दू का, फिर नेक्स्ट 2 छुट्टियां आगे, और 12/7/2021 को आपका पार्क स्टडी का पेपर होगा। 13 को होगा हिस्ट्री का, 14 को होगा इंग्लिश कंपलसरी का, 15 को होगा इंग्लिश एडवांस का या इलेक्टिव का, 16 को होगा पाकिस्तान स्टडी का, 17 को होगा आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, 18 को छुट्टी होगी, 19 को होगा उर्दू पाक कल्चर का। इसके बाद हो गए 20, इसके बाद दोस्तों 3 छुट्टियां और 23/7/2021 होगा इकोनॉमिक्स का। इसके बाद 24 को जियोग्राफी, 25 को छुट्टी है, 26 को होगा स्टैटिक्स, 27 को सिविक्स, 28 को होगा सोशियोलॉजी का, और थर्सडे इसके बाद 29/7 को आखिरी पेपर होगा आपका इस्लामिक स्टडी का। तो ये थे दोस्तों आज की मुकम्मल तफसीलात, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और दोस्तों ये आपने वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, ताकि वो भी इस मालूम से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।